चौहटन के निकटवर्ती केरनाड़ा गांव की सरहद में खेत में रास्ते पर जा रहे दर्जनों छात्र छात्राओं का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट करने तथा बालक बालिकाओं के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। केरनाड़ा सरहद के करीब दो दर्जन छात्र छात्राएं अपने परिजनों के साथ गुरुवार को थाने पहुंचे और अपनी परेशानियां बयां करते हुए रिपोर्ट दी। साथ ही छात्र छात्राओं ने उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव से रूबरू होकर भी अपनी पीड़ा बयां की। चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। चौहटन के निकटवर्ती केरनाड़ा सरहद के करीब दो दर्जन छात्र छात्राएं अपने परिजनों के साथ गुरुवार को पुलिस थाना चौहटन पहुंचे और अपनी परेशानी बयां करते हुए रिपोर्ट पेश की। दरअसल केरनाड़ा गांव की सरहद में स्थित एक खेत में से होकर निकलने वाले रास्ते जा रहे इन छात्र छात्राओं का कुछ लोगों ने रास्ता रोक कर उनके साथ मारपीट की, साथ ही बालक बालिकाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। थाने में रिपोर्ट देने के बाद छात्र छात्राएं अपने परिजनों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव के समक्ष अपनी पीड़ा बयां की। स्कूली छात्र छात्राओं के अनुसार वे दूर दराज की ढाणियों से खेतों में से होकर पैदल रास्ते से स्कूल जाते हैं। केरनाड़ा की सरहद में कुछ लोगों ने मिलकर उनका रास्ता रोक कर मारपीट की। मारपीट क्यों की? क्योंकि मैं रास्ते से जा रही थी, मुझे रोक दिया, जाने नहीं दिया स्कूल 8 बजे, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। आपका स्कूल 12वीं पढ़े देवी और बड़े हाथ ही बच्चियाँ 10-12 बैठे के दो करने का सोरा, एक नथो, एक भाई होनो और एक दो नथे का सोरा की गयो। मारपीट की। मारपीट क्यों की? मारपीट की गई, मार्ग निकल को था रस्त रोकियो, पता लारे दौड़िया लारे दौड़िया ना कोई पाड़ ले पाड़ो ही फोन कियो का बच्चों की हालत खराब कर दी, दो पाए तार है निकल गए को एक भतो यो हाकड़े 7 बजे होने और 10 बजे आने बच्चे हम छोड़ेंगे। घटना से आहत छात्र छात्रा और अभिभावकों ने पुलिस थाना चौहटन एवं उपखंड अधिकारी को रिपोर्ट देकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की।